जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र के भटहट रोड पर स्थित आलमीन स्कूल से सटे पुलिया के पास एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पिपराइच पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खून से लथपथ शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के आंख और सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सुराग खंगालने में जुटी है। मुझे अभी कुछ सामान नहीं आया, अभी टीम के लिए तो जा चुका है, अभी तैयारी मिल जाएगी। गोरखपुर से प्रिंस तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रिंस तिवारी, इस शख्स की क्या हत्या की गई, इस बात की पुष्टि हो गई है? पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है, कहां तक जांच आगे बढ़ी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, जिसके बाद जो वहां के क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्र थे, उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लोगों के अंदर डर बढ़ गया था, जिसके बाद सूचना के बाद पुलिस पहुंची और जिसके बाद पूरी पूरी तरीके से कार्रवाई करने में जुट गई। जी, लेकिन किसने हत्या की थी, क्या आपसी रंजिश का मामला था, इस बारे में कुछ बात सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र का भटहट रोड पर स्थित एल्युमिनियम स्कूल से सटे पुलिया के पास सोमवार को एक व्यक्ति की हत्या कर फेंका गया था, जिसका घटना की सूचना पर पिपराइच पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी कोई खुलासा नहीं हुआ कि क्या रंजिश थी या किसने मारा था, लेकिन जो मृतक है उसका नाम है ब्रिजेश और बड़े भाई का उमेश, और जो ये लोग बुलारिया थाना क्षेत्र के करमहा बुजुर्ग निवासी हैं। जी धन्यवाद आपका प्रिंस तिवारी, तमाम जानकारी के लिए।